गुड मॉर्निंग रोशनी, गुड मॉर्निंग राजीव, चलिए आइए सब लोग और बताइए सही चल रहा है वीडियो? अभी भी लाइट नहीं आई है ना, तो आ जाओ सब लोग और बताओ सब कुछ सही है अभी? आओ सब लोग, हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो शुरू करें आज का लेक्चर। आइए और बताइए, आवाज़ आ रहा है ना और बोर्ड साफ दिखाई दे रहा है? हेलो काजल, एवरीथिंग इज फाइन। चलो तो पहले कल वाले क्वेश्चंस करवाता हूँ, है ना, और फिर हम आज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सीखेंगे, ग्राफ। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे ग्राफ। ठीक है, मतलब वो आखिरी टॉपिक हो जाएगा, फिर हमें बस वही क्वेश्चंस करके चैप्टर ख़त्म करना है। ठीक है, फिर वो शीट दूंगा वही बनाने के लिए, बनाइए सॉल्व कीजिए। चलो तो कल जो क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए, आई गेस सब लोग बना के आए हो, पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ ना, फिर आगे बढ़ता हूँ। मैंने ये क्वेश्चन कर दिया था क्या, 2 tan inverse 1/2 + tan inverse 1/7 = tan inverse 31/17, ये क्वेश्चन किया था मैंने सॉल्व, बताइए। गुड मॉर्निंग आयुषी, गुड मॉर्निंग तुषार, सॉल्व किया था कल ये क्वेश्चन, कमेंट करो ना। क्या ये होमवर्क दिया गया था आपको? मेरे हिसाब से होमवर्क ही दिया था, याद नहीं आ रहा मुझे, कमेंट करके बताइए ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया था या फिर करना है इस क्वेश्चन को। 2 tan inverse 1/2 + tan inverse 1/7 करके था क्वेश्चन, हो गया है या अभी करना है इसे, कमेंट करो अपने। सब कमेंट करके बताइए, शुरू करें, करना है ना ये क्वेश्चन अभी मेरे हिसाब से। ओके, होमवर्क दिए थे, ठीक है तो सॉल्व कर रहा हूँ, शुरू करता हूँ। पहले वो कल वाले क्वेश्चन जल्दी जल्दी ख़त्म करें उसे ना, फिर हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आज बहुत इम्पॉर्टेंट है आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ। तो 2 tan inverse 1/2 + tan inverse, ठीक है, आपका क्या लिखा हुआ है, 1/7। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? इसके वैल्यू tan inverse 31/17 के बराबर है, tan inverse 31/17। ठीक है, अब 2 tan inverse x का फॉर्मूला हमारा क्या होता था, tan inverse 2x/(1 − x²). इसके लिए कंडीशन थी 1 − x² > 1, है ना, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, मतलब x² − 1 < 0, मतलब x² − 1 को आप लिख दिए x − 1 x + 1 < 0। ठीक है, यहाँ से क्या आया, -1 वेवी कर्व मेथड +1 ±+, मतलब ये रीजन कब होगा, -1 से 1 के बीच ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हमने बोला था ये कब होगा, जब x की वैल्यू क्या हो, -1 से +1 हो।
तो ये यहाँ दिख रहा है आपको x माइनस वन से वन के बीच है, तो आप सीधा फॉर्मूला लगा दे tan इनवर्स 2x, ठीक है, x की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x से 1/2 होल स्क्वायर, यहाँ पड़ा हुआ है tan इनवर्स 1/7, ठीक है। अब क्या कर दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे है ना, जैसे मैं ऊपर तो आ गया 1, नीचे 1 माइनस 1/4 इज 3/4, ठीक है, और प्लस यहाँ पड़ा हुआ है tan इनवर्स 1/7, तो ये हो गया tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, सीधा tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई कब होता था, जब एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा, मल्टीप्लाई करो 4/21 आएगा, तो 1 से छोटा है, तो आप सीधा इसे लिख सकते हैं 4/3 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, ठीक है। अब एलसीएम ये सब करना है, तो 7/4 = 28 प्लस 3, और डिनोमिनेटर में 21 माइनस 4, ये बन गया टैन इनवर्स 28 प्लस 3 इज 31 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 4 इज 17, योर आंसर। बताओ ये सबको समझ आ गया ये क्वेश्चन, किसी को डाउट है, डाउट है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़े, सबको ये चीज़ क्लियर है। चलो बोर ब्लर हो गया, अब फोकस कर रहा है ना, ठीक है, अब सही है, अब कोई दिक्कत है बोर्ड में देख लो एक बार सब लोग, फॉर्मूले भी याद करने का एक तरीका है, ठीक है, अगर ये आप भूल जाते हो ये कब है, तो उसके लिए ये है ना, ऊपर तो पॉजिटिव है, अंदर एक पॉजिटिव होना चाहिए लगाने से पहले, बस उसके बाद ना पॉजिटिव करने के लिए आप देख लो ना, x माइनस वन से वन आएगा, तो याद भी करो एक तरीके से याद करो, 2 tan इनवर्स x का ये सब बन गया है। चलिए वेरी गुड, मिटाता हूँ इसे, है ना। अगला क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका cos इनवर्स करके, है ना, ध्यान दो भाई, तो मेरा क्या है, मेरा है यहाँ पे tan इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, मुझे प्रूव करना है tan इनवर्स रूट एक्स मेरा क्या है 1/2, है ना, ये पढ़ा हुआ है आपका cos इनवर्स, ठीक है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, cos इनवर्स 1 माइनस है ना x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स करते हुए, ठीक है। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा जाता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ना ये हमने लिखा हुआ था, ठीक है। तो आप कोई भी है ना RHS उठा के LHS प्रूफ कर दिया जाए, तो RHS कितना है, RHS है 1/2, ये पड़ा हुआ है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, सब्स्टिट्यूशन क्या किया जाए, देखो कंपेयर करो, x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट आएगा, पूरे x की जगह टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है, ठीक है, x की जगह टेन स्क्वायर थीटा का सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये है आपका cos इनवर्स ना, RHS में ये बना हुआ है cos इनवर्स, यहाँ पे है 1 माइनस है ना टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन हुआ है मेरा, ये बन गया हाफ ऑफ cos इनवर्स cos ऑफ क्या लिख दिया मैंने 2 थीटा, फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे ये बन गया 1/2 इंटू 2 थीटा, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि 2 थीटा है ना 0 से पाई के बीच है, तो cos इनवर्स cos सीधा ये आ गया, ये हो गया थीटा, ठीक है, जब प्रूफ ही करना है तो आपको वो सोचना ही नहीं है, यहाँ से tan थीटा हमारा क्या बन गया रूट एक्स, है ना, tan थीटा रूट एक्स हो गया, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई tan इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा आया, इस थीटा की वैल्यू आप लिख दिए tan इनवर्स रूट एक्स विच इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूफ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, बताओ भाई ना, कमेंट करिए, किसी को इसमें डाउट है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया सबको, आ जाओ हेलो श्रेया,
रुक रहा है, बाकी लोग बताइए वीडियो रुक रहा है क्या? मौसम भी अभी ख़राब दिख रहा है, बारिश के आसार दिख रहे हैं, बादल। बाकी लोग बताओ वीडियो सही है या रुक रहा है? नो डाउट रुक रहा है, तो एक फ़ोन रीस्टार्ट कर लो। आयुषी सुबह से शाम तक लाइव पढ़ाते ही रहते हैं मौसम। ओके नो डाउट सर, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं बात करने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है, ये सब फॉर्मूला सही से लगाना है। 4 टैन इनवर्स 1/5 माइनस टैन इनवर्स 1/70, ध्यान देना है ना। 4 टैन इनवर्स है ना 1/5 माइनस टैन इनवर्स 1/70 ना, टैन इनवर्स 1/70 प्लस क्या लिख रहा हूँ, टैन इनवर्स 1/99 करके, ठीक है ध्यान दो है ना। तो सबसे पहले तो इसमें 2 टैन इनवर्स x का फॉर्मूला लगाऊंगा, x माइनस 1 से 1 के बीच है, तो इस 4 को तो लिख दिया जाए 2 टाइम्स आपका 2 टैन इनवर्स क्या लिख दिया जाए 1/5। उसी तरह से इसको मैं फॉर्मूला लेके आ जाता हूँ टैन इनवर्स x माइनस y का, ठीक है। अब उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं कौन बड़ा कौन छोटा है ना, मैं सीधा बस है ना इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। बस ये याद रखना अंदर पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए। तो 2 टैन इनवर्स x का फॉर्मूला हो गया टैन इनवर्स ना 2x, 2 इंटू एक्स से 1/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाइए टैन इनवर्स x माइनस y है ना माइनस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस x इंटू वाई, एलसीएम है ना, ये सब सही करना भाई, ठीक है। चलो ये आपका बन गया 2 टैन इनवर्स। अब इसे मैं सिंप्लीफाई करूँ, ये आ गया 2/5, नीचे आया 24/25, ठीक है। 2/5 डिवाइडेड बाय पड़ा हुआ है 24/25 प्लस, उसी तरह से यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ ये हो गया 70-99 है ना, 70-99 डिनोमिनेटर में आया आपका 0, 7 9 63 7, फिर 70 और ये हुआ प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ 2 से ये 12 हो गया, 25 5, तो 5/12 ठीक है, ये पड़ा हुआ है 2 टैन इनवर्स, फिर आपका यहाँ पे पड़ा है टैन इनवर्स, ऊपर क्या है -29 और डिनोमिनेटर में है 7031, ठीक है। अब फिर से 2 टैन इनवर्स x का फॉर्मूला लगाओ, ये बन गया आपका टैन इनवर्स 2x है ना, फिर से x 1 से कम है, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे टैन इनवर्स ना इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस टैन इनवर्स, अब ये इसको कैंसिल करेगा क्या, 7031, देखता हूँ 29 से डिवाइड होता है क्या एग्जैक्टली, 29 से देखो 29 टू जा ना, तो 2 से हो जाएगा मेरे हिसाब से 58 हुआ, 10 8 2, फिर 6 5 1 3, ठीक है, 34 जा 120 होता है ना, तो 4 के आसपास आएगा, 4 9 जा 36 3, 4 2 जा 8 11, 71 हो गया, तो 3 से हो जाएगा नहीं होगा ना, चलो तो ये डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपका एज इट इज़ रहने दो, दिस इज 29 डिवाइडेड बाय 7031, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन देख लेना, कोई गलती ना हो, ठीक है। हाँ ये गलती कर दिया मैंने यहाँ पे ना, मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा, ये हो गया 0, 7 9 जा 63 है ना 6 होगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 9 3 बनाएगा ना, नहीं तो पूरा करा कराए पे पानी फिर जाता है, थोड़ा कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो 6 9 3 1 से तो ये डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है, देखिए तो 29 6 9 3 1 से करता हूँ, तो 2 जा 58 11 3 है ना, फिर कितना है 4 तो होगा नहीं है ना, 3 जा 27 2 3 2 जा 6 8 13 7 6 एंड
टेन ए टू है ना, वन कितने से जाएगा, नाइन नाइन जा है ना, तो नाइन नाइन जा एट्टी वन, एट एट और एटीन टू हो गया भाई, ट्वेंटी नाइन क्या करना, टू नाइन्टी होता है, ट्वेंटी नाइन बाई सिक्स है ना, सिक्स नाइन थ्री वन आ रखा है, सिक्स नाइन थ्री वन, ये कैंसिल नहीं हो रहा है ना, हो रहा है कैंसिल, टू थ्री नाइन से ही कैंसिल हो रहा है, ओके नाइन नाइन जा कितना हुआ एटीन, वो एट कैरी है ना, तो एटीन टू ट्वेंटी सिक्स, चलो 261 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये हो गया टेन इनवर्स ना, कितना आया, ये हुआ 10 बाई 24 और नीचे पड़ा हुआ है 10 बाई 24 को ना क्या लिख दिया जाए 5 बाई 6 और नीचे 1 माइनस 25 बाई 144, तो 144 माइनस 25 यहाँ पे 144, तो 144 माइनस 25 करता हूँ, तो 54 14 5 9 ठीक है, फिर 13 है ना और 2 कितना हुआ 11 और यहाँ पे पड़ा हुआ है माइनस टेन इनवर्स, ये है मेरे पास 29 डिवाइडेड बाय 6931 करके ठीक है, इसे आप सिंप्लीफाई करो तो 6 कितने से काटेगा, तो ये बन गया टेन इनवर्स ठीक है, 6 2 जा 12 है ना, तो 24 तो 24 24 इंटू 5 जा 120 बाई 119 माइनस टेन इनवर्स, ये पड़ा हुआ है ना 29 बाई 6 31 239 आ गया ना, तो ये आ गया सीधा 239 ठीक है, तो ये है मेरे पास 239 टेन इनवर्स 1 अपॉन 239। अब इसे फिर से टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाया जाए, तो ये बन के आएगा टेन इनवर्स, फिर से क्या लिख दो x अपॉन ना x माइनस y डिवाइडेड बाय यहाँ पड़ा हुआ है 1 प्लस, आप लिख देते हो x इंटू y करके ठीक है, ये रहा, इसको LCM लेते हुए ये बन गया आपका, यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो ये निकल के आएगा, जब इसे सिंप्लीफाई करूँगा 1 आएगा और टेन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा मेरा पाई बाय 4 ठीक है, इसको पाई बाय 4 प्रूफ करना था, LCM लो ना सिंप्लीफाई करो, ये आपका सीधा टेन इनवर्स 1 आ जाता है विच इज़ इक्वल टू पाई बाय 4 ठीक है, सही है सब कुछ, सही चल रहा है वीडियो, सही है, चलिए कोई दिक्कत किसी को, किसी को कुछ पूछना है पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, डन, ये सब क्वेश्चन आप खुद घर बैठ के बना सकते हो, बस फॉर्मूला सही से ना चेक करना है, फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला सही बैठेगा ये आपको देखना है, चलिए वेरी गुड ना, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू टेन इनवर्स 1/5, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा टू टेन इनवर्स 1/5 प्लस क्या लिखा है मैंने सेक इनवर्स 5 रूट 2/7 ना, सेक इनवर्स 5 रूट 2 डिवाइडेड बाय 7, फिर लिखा हुआ है प्लस टू टेन इनवर्स 1/8 प्लस टू टेन इनवर्स 1/8, इसको पाई बाय 4 प्रूफ करना है, तो सबसे पहले इन दोनों में 2 कॉमन निकाल के यहाँ पे लिख दिया जाए टेन इनवर्स 1/5 है ना प्लस टेन इनवर्स 1/8, इसमें फॉर्मूला चलाता हूँ ठीक है, और इसको सेक इनवर्स 5 रूट 2/7 को टेन इनवर्स के फॉर्मूला में लेके आया जाए, तो हाइपोटीनियस बाय बेस ठीक है, हाइपोटीनियस 5 रूट 2 बेस 7 ये हो गया 1
ठीक है, 50 25 2 50 -49 1, तो ये tan इनवर्स में हो गया 1/7। यहाँ पे क्या कर दीजिए, ये हो गया 2 tan इनवर्स, आपका बन के आया x प्लस वाई डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में पड़ा है 1 - x into y, है ना, प्लस यहाँ पे पड़ा है आपका tan इनवर्स क्या है 1/7 हो गया। ये आपका बन गया tan इनवर्स LCM लेते हुए 8 + 5 / 40 - 1, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये हो गया 2 tan इनवर्स, न्यूमरेटर में 23, डिनोमिनेटर में 39, है ना, प्लस फिर से आया tan इनवर्स 1/7, 2 tan इनवर्स x, फिर से x 1 से छोटा है, तो सीधा फॉर्मूला लगाते हुए ये बन गया tan इनवर्स, है ना, ये आया 2 × x डिवाइडेड बाय 1 - x² 23/39 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे पड़ा है tan इनवर्स 1/7 हो गया। अब यहाँ पे क्या किया जाए, इसे सिंप्लीफाई किया जाए, tan इनवर्स ये हुआ 46/39, ठीक है, LCM लोगे तो एक 39 ऊपर आ जाएगा कट के, तो 46 × 39 और 39 - 23 कितना हो गया, है ना, 936, फिर 325, ठीक है, इंटू फिर सब्ट्रैक करो ना, ओके 93 कितना होता है आपका, 12 होता है ना, 9312, फिर 336, ये हो गया 62 हो गया, और सब्ट्रैक किया जाए तो 931 ना 6, और फिर आपका हुआ 321, ठीक है, ये आया आपका 62 × 61, प्लस ये हो गया tan इनवर्स 1/7। अब इसे सिंप्लीफाई करता हूँ ना, सिंप्लीफाई करने पे किससे कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल होगा 23, और ये होगा 8, ठीक है, तो और कुछ तो दिख नहीं रहा मुझे कैंसिल होता हुआ, ठीक है, तो दैट्स इट। अब 23 × 39 सिंप्लीफाई करो भाई, ये सब ना कैलकुलेशन ये सब आपको घर पे करने थे क्वेश्चंस, ठीक है, तो 23 × 39 कितना होगा, 9 × 3 = 27 2 18 20 9 6 is 7 9 8, 896 डिनोमिनेटर में आया, और न्यूमरेटर में हो गया कितना, 8 × 16 = 1 48 49, प्लस यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे है मेरा tan इनवर्स 1/7, x इंटू वाई करूँगा तो लगभग 900/3500, 1 से छोटा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो tan इनवर्स ये है 897/496 प्लस आपका 1/7 / 1 - xy, 897/496 × 1/7, ये मेरा निकल के आएगा tan इनवर्स 1 ना, सिंप्लीफाई करो तो ये आ गया आपका π/4। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में देख लो ना, फॉर्मूला कैसे लगाया जा रहा है ये आपको देखना है, ठीक है, 13 आएगा ना, गलती यहाँ एक गलती कर दिया, ये कितना आपका 13 आएगा, ठीक है, भाई इतना गंदा कैलकुलेशन तो नहीं आना चाहिए था, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स, है ना, 13/39 हो गया 1/3, और यहाँ पड़ा हुआ है tan इनवर्स 1/7, ठीक है, ऐसे ही इतना लंबा कैलकुलेशन में उलझे, चलिए जो भी है, तो फिर से एक बार इसको फॉर्मूला सही करता हूँ, यहाँ देखो यहाँ पे क्या हो गया आपका, तो 2 tan इनवर्स 1/3 बन गया tan इनवर्स 2 × 1/3 / 1 - 1/3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे पड़ा है tan इनवर्स 1/7, ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास ना 2/3 8/9, है ना, डिनोमिनेटर में तो 9 - 1 8/9, ठीक है, तो 3 ऊपर गया तो यहाँ पे हो गया 3 / क्या हो गया 4, 2/3 8/9, तो 2 नीचे 4 से काटेगा और ऊपर 3 चला गया, प्लस यहाँ पे है tan इनवर्स 1/7, तो ये बन के आ गया tan इनवर्स आपका 3/4 + 1/7 / 1 - 3/4 × 1/7। अब इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, tan इनवर्स ये हो गया 21 + 4, नीचे है 28 - 3, ठीक है, तो 25/25 which is equal to 1,
और tan इनवर्स 1 मेरा कितना बन जाता है पाई बाई 4। अब देख लो, अब सही है सब कुछ, बताइए। फिर और दो क्वेश्चन बचे हैं, उसको ख़त्म करके फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता हूँ। अब सही है सभी को, बताइए। उस टाइम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 8.5 सर कमेंट्स भी देख लिए, देखा कीजिए। हाँ सर 8.5 होगा, हाँ वो मिस्टेक हो गया, 1/7 होगा। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर सही है, आ जाओ, सब कुछ सही है अभी। सब लोग कमेंट कीजिए, हो गया ये क्वेश्चन, और दो क्वेश्चन बचे हैं, पहले उससे कर लेते हैं। सही है, कोई डाउट नहीं ना किसी को, ये सब लोग बना लिए हो ना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप घर पे ही बना लिए होंगे ना। तो अगला क्वेश्चन है मेरा ये रहा, देखो ये रहा, 2 tan inverse 1/5 + tan inverse 1/8, ठीक है। मतलब मैंने एक ही फॉर्मूला याद कराया आपको tan इनवर्स के टर्म में, साइन इनवर्स ये सब में नहीं पढ़ना अपने को। तो ये है प्लस tan इनवर्स कितना है 1/8। अब चाहे तो एक tan इनवर्स 1/5 इस tan इनवर्स 1/8 के साथ ले लो, है ना, या फिर सीधा क्या करो इसका tan इनवर्स, क्योंकि ये x 1 से छोटा है, तो 2 × x डिवाइडेड बाय यहाँ पड़ा है 1 − x² है ना, प्लस ये पड़ा है tan इनवर्स 1/8, ये आ गया 2/5 24/25, तो ऊपर गया 5 नीचे है 12, यहाँ पे tan इनवर्स और प्लस यहाँ पे है tan इनवर्स 1/8, ठीक है। ये क्या आया, ये आया tan इनवर्स आपका LCM लेके 5/12 1/8 डिवाइडेड बाय 1 − 5/12 × 1/8, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो गया tan इनवर्स, ठीक है, 40 + 12 / 96 − 5, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 52 / 91, ठीक है। 13 से काटेगा तो 13 × 4 = 52 एंड 13 × 7 = 91, tan इनवर्स 4/7, हेंस प्रूफ्ड। सबको क्लियर है ये चीज़, आइए सब लोग, ये हो गया सबको क्लियर, कोई डाउट किसी को, देख लो। यस सर बन गया, ओके वेरी गुड, ठीक। चलो तो कल का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको नया टॉपिक पढ़ाता हूँ। मिटा दो इसे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा, दैट इज 2 sin inverse 3/5 ना, 2 sin inverse क्या लिखा हुआ है 3/5 माइनस क्या लिख रहा हूँ tan इनवर्स 71/13, है ना, 17/31 लिखा हुआ है, पाई बाय 4 प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसको ट्राइंगल बना के tan इनवर्स में लेके जाओ, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस, तो ये हो गया 2 tan inverse आपका बन के आया 3/4 माइनस यहाँ पे पड़ा हुआ है tan इनवर्स 17/31, ठीक है। एनसीईआरटी में डाउट नहीं आना चाहिए ऐसे ही, ये सब है ना कंपटीशन का पहले नहीं करा रहा, कि एनसीईआरटी में मुझे डाउट नहीं चाहिए, एनसीईआरटी सीधा नो डाउट वाला सेक्शन होना चाहिए आपको। 1 − x², ठीक है, माइनस यहाँ पड़ा हुआ है tan इनवर्स, यहाँ पे है 17/31, ये हो गया आपका क्या हुआ, यहाँ पे देखो है ना 3/2 डिनोमिनेटर में 16 − 9 इज 7/16 माइनस tan इनवर्स 17/31, ठीक है। ये हो गया आपका 2 8 से 8 ऊपर गया 24/7 है ना, ये है tan इनवर्स और माइनस यहाँ पड़ा है tan इनवर्स 17/31, ठीक है। ये आ गया tan इनवर्स, सिंप्लीफाई किया जाए तो 24/7 − 17/31 डिवाइडेड बाय 1 + 24/7 × 17/31, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 24 + 31 जा ये आएगा 24 + 31 = 24
4 3 12 7 2 4 4 7 744 24 इंटू 31 इज 744, ठीक है। तो ये यहाँ लिख देता हूँ, इज इक्वल टू टैन इनवर्स, दिस इज 744 माइनस, यहाँ पे है 7 इंटू 17, 7 7 49 4 11, है ना, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 7, है ना, एंड 21 217, और यहाँ पे 24 इंटू 17 कितना होगा, यहाँ रफ किया जाए 24 17 7 4 28 2 14 16 24 804, ठीक है, तो 408, ठीक है, प्लस यहाँ लिख दो 408। अब एलसीएम लो तो 49 कितना आया, 5, वेरी गुड, है ना, फिर 312, फिर 716, वैसे यहाँ पे 8 7 15 2 625 by 625, tan inverse 1 विच इज़ my pi by 4, ठीक है, फॉर्मूला सही से लगाना, है ना। अब इस टाइप के क्वेश्चन कोई पूछना मत, समझे, इस टाइप के क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं, शीट हो या कहीं पे भी हो, ठीक है, ये क्वेश्चंस आप नहीं पूछेंगे। तो मैं ऐसे ही इतने सारे क्वेश्चंस आपको क्लास में नहीं करा रहा, नहीं आता है 2-3 बार रीचेक करके देखना सब लोग, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए, किसी को कुछ पूछना है इसमें कमेंट कीजिए। हो गया, अब पढ़ाऊँ कुछ नया और इंटरेस्टिंग, है ना, आज का पढ़ने के लिए दिमाग चाहिए थोड़ा ज़्यादा ही, ठीक है। याद है साइन इनवर्स साइन एक्स का पढ़ाया था, है ना, ग्राफ, है ना, बनाते थे टैन इनवर्स टैन एक्स का, अब उससे भी थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना है ग्राफ बनाते वक्त, ये चीज़ आपको अच्छे से कैच करनी है, ठीक है। देखो तो ध्यान दो भाई, तो अभी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, तो अच्छे से समझना, है ना, और खुद ट्राई करना। मैं एक खुद बनाऊंगा, बाकी 3 आप खुद घर पे बनाएंगे, फिर हम कल फिर से बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो सिंपल सा चीज़ है, अभी तक आपका फॉर्मूला आप जो पढ़ते थे साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, आप इसको, है ना, क्या लिख देते थे, इसको आप लिखते थे इज इक्वल टू सीधा मेरा 2 टैन इनवर्स x लिखते थे, ये लिखते थे ना, ये फॉर्मूला होता था 2 टैन इनवर्स x का फॉर्मूला, है ना। पर यहाँ पे क्या बात होता है, यहाँ पे ये तभी होता है जब x क्या हो, 1 से छोटा हो, ठीक है, मॉड x 1 से छोटा हो या उसके बराबर हो, इक्वालिटी चलेगा। अगर x मतलब मॉड x 1 से छोटा, मतलब x कहाँ से कहाँ के बीच हो, x बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच हो। अब मैं बोलता हूँ अगर x, क्योंकि tan इनवर्स x में x जो है वो तो ऑल रियल नंबर होता है, है ना, टैन इनवर्स का डोमेन टैन का रेंज दैट इज ऑल रियल नंबर, तो इसके हिसाब से सभी रियल नंबर, मतलब ये तो -1 से 1 के लिए है, तो x -1 से छोटे के लिए कैसे डिफाइन होगा, x +1 से बड़े के लिए इसके आगे एक चीज़ कैसे हो जाएगी और इसके पीछे ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये हम बात करने जा रहे हैं, ना ना आपके ये, है ना, बोर्ड्स के लिए, बस ये थोड़ा एडवांस के हिसाब से है, तो अच्छे से समझना। इसको समझने के लिए हमें ग्राफ का, है ना, जो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ था वो हमें समझना है ना, वो चीज़ फिर से यूज़ होगी। तो इसके लिए मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज़ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा, जो होता है मेरा 2 टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या लिखा जाता है, टैन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ सही है अपने पास, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना 2 टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, इसको आप साइन थीटा, है ना, साइन 2 थीटा लिख देते हैं, तो यहाँ देख के क्या समझ आ रहा है कि x को क्या सब्स्टिट्यूट किया होगा, यहाँ पे मेरा x क्या सब्स्टिट्यूट हो के आया होगा, टैन थीटा सब्स्टिट्यूट हो के आया होगा, ठीक है। अब x टैन थीटा सब्स्टिट्यूट हो के आया है, तो यहाँ से एक होता है प्रिंसिपल डोमेन और एक होता है सिंपली डोमेन, तो अगर मैं बोलूँ
कि टैन थीटा में ना, टैन थीटा में ये थीटा प्रिंसिपल डोमेन तो आपका क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स जो होगा वो ऑल रियल नंबर होगा प्रिंसिपल डोमेन पर। जनरल डोमेन बोला जाए तो टैन थीटा वन है ना, मतलब थीटा ऑल रियल नंबर हो सकता है। उसी तरह से साइन टू थीटा का प्रिंसिपल डोमेन, मतलब टू थीटा कहाँ से कहाँ के बीच होता है, माइनस वन से वन है ना, ये साइन टू थीटा माइनस वन से वन के बीच होता है। पर ये टू थीटा प्रिंसिपल डोमेन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और जनरल डोमेन ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो हम ऑल डोमेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे x जो है वो तो आपका ऑल रियल नंबर हो सकता है, तो आप 1 से बड़े और माइनस 1 से छोटे के लिए भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या बना हुआ है, ये जो LHS है, LHS क्या है, LHS है साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर में। यहाँ पे आपको करना क्या है, x की जगह tan थीटा रखते हैं, ठीक है। तो x की जगह tan थीटा रखा तो ये आया 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये बन गया आपका 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या बन के आया, ये है आपका sin 2 थीटा का फॉर्मूला। अब ये बताओ क्या sin इनवर्स sin 2 थीटा सीधा 2 थीटा लिख सकता हूँ क्या, नहीं ना। तो ये sin इनवर्स sin 2 थीटा मैं सीधा 2 थीटा नहीं लिख सकता, ठीक है। तो इसी वजह से मुझे यहाँ पे ना बात करनी है कहाँ से कहाँ तक में, देखते हैं। तो ये बताओ है ना, यहाँ पे थीटा प्रिंसिपल डोमेन की अगर बात करूँ तो प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ठीक है। समझो यहाँ पे मैं यहाँ पे साइन इनवर्स साइन टू थीटा की जब बात करने जा रहा हूँ तो थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू बोल रहा हूँ, तो टू थीटा कहाँ से कहाँ होगा, माइनस पाई से पाई होगा। अब माइनस पाई से पाई के बीच में आप पता करो साइन टू थीटा कैसे खुलेगा, ठीक है। साइन इनवर्स साइन टू थीटा माइनस पाई से पाई, तो उसके लिए मैं किसका ग्राफ का यूज़ करूँगा, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब ध्यान देना है ना, उससे ये आपका चीज़ क्लियर होगा। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बात करने जा रहे हैं हम, ठीक है। इन द इंटरवल माइनस पाई से पाई, ठीक है। ग्राफ कैसा होगा देखते हैं, ये आपको बनाया गया आपका, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स है ना, साइन इनवर्स का आउटपुट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और प्रिंसिपल डोमेन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और एक्स जीरो पे ज़ीरो होता है, ये कुछ होता था, ठीक है। ये पाई बाई टू पे वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई टू आएगी, और माइनस पाई बाई टू पे वैल्यू क्या आएगी, माइनस है ना पाई बाई टू ही आएगी इस रीजन में। तो ये वाई इक्वल टू क्या है, एक्स है, ठीक है। और फिर मुझे कहाँ से कहाँ के बीच चाहिए, माइनस पाई से पाई के बीच चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस पाई बाई टू हो गया, तो माइनस पाई कहीं यहाँ पे आएगा है ना, ये और पाई बाई टू यहाँ आ जाओ, और ये प्लस पाई कहीं यहाँ आएगा, ठीक है, ये पाई यहाँ आ जाओ। तो इसका अगर इक्वेशन लिखूँ, इसका स्लोप वन, तो इसका स्लोप माइनस वन, ये है वाई इज इक्वल टू माइनस वन, और वाई इंटरसेप्ट ऊपर होगा तो प्लस पाई। उसी तरह से इस लाइन का स्लोप माइनस वन हो जाएगा, इसका वन है तो इसका स्लोप माइनस वन और वाई इंटरसेप्ट नीचे, दैट इज माइनस पाई, ठीक है। अब ये जो एक्स एक्सिस जो हम बोल रहे हैं, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ बनाया गया है साइन इनवर्स साइन एक्स में, एक्स आप मान रहे हो टू थीटा, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस में एक्स जो हम कह रहे हैं वो हमारा क्या है, टू थीटा। तो टू थीटा हमारा कहाँ से कहाँ के बीच लाई करना चाहिए, माइनस पाई से पाई के बीच में। तो बस मैं माइनस पाई से पाई के बीच में देख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे जो x है उसमें x की जगह क्या रख देना है आपको, सिंपली टू थीटा रख देना है। जहाँ x दिख रहा है वहाँ टू थीटा रख दीजिए, जहाँ x दिख रहा है वहाँ सीधा क्या रख दीजिए, टू थीटा रख दीजिए, ठीक है। तो ये आया मेरे पास। अब मैं यहाँ पे ये साइन इनवर्स साइन टू थीटा मेरा कैसा खुलेगा, ये आप इस ग्राफ से देख के कहेंगे। मतलब जब x मेरा माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू होगा, ठीक है। यहाँ देखो इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि अब आपको खुद ये बनाना है फिर उसके बाद, ठीक है। तो y इज इक्वल टू मेरा साइन इनवर्स साइन टू थीटा, ये कैसे खुलेगा, ये डिपेंड करेगा मेरा टू थीटा पे। तो टू थीटा की वैल्यू जब माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू के बीच होगी ना, माइनस पाई पे तो ओपन, और माइनस पाई बाई टू पे भी हम यहाँ पे
क्या कर देते हैं, लेट्स से यहाँ क्लोज कर दो ना, तो यहाँ पे आप क्लोज कर देते हो, तो उस केस में y आ गया माइनस टू थीटा माइनस पाई आया, ठीक है, ये y की वैल्यू। और जब टू थीटा मेरा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है, टू थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है, तो ये जो है ना ये भी क्लोज होगा ना, बोथ साइड से यहाँ पे क्लोज होगा। चलिए तो बोथ साइड से क्लोज, क्योंकि यहाँ पे थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू नहीं हो सकता, टू थीटा की बात की जाए तो यहाँ पे थीटा तो माइनस पाई बाई फोर रख नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। तो इस इंटरवल में ये क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स मतलब सीधा टू थीटा, ठीक है। और अगर टू थीटा मेरा कहाँ से कहाँ के बीच लाई करता है, टू थीटा पाई बाई टू से पाई के बीच लाई करता है, पाई बाई टू पे तो क्लोज और पाई पे ओपन, क्योंकि थीटा पाई बाई टू नहीं रख सकते यहाँ पे, ठीक है। तो उस टाइम पे आएगा माइनस टू थीटा प्लस पाई ना, उस टाइम पे आएगा माइनस टू थीटा प्लस पाई। और ये बताओ यहाँ पे आपका टू थीटा क्या हो जाएगा, थीटा आपके पास है टैन इनवर्स एक्स, है ना, और थीटा की जगह हमें क्या लगा देना है, टैन इनवर्स एक्स, जहाँ जहाँ थीटा दिख रहा है वहाँ लगा दो टैन इनवर्स एक्स। मतलब मेरा बन गया पहला वाला जो है वो बन गया माइनस टू टैन इनवर्स एक्स माइनस पाई, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और लिखता हूँ, क्लियर है ना, ये मिटाऊंगा अभी मैं। ये बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है, बस क्या करना है, एक्स की थीटा की जगह टैन इनवर्स एक्स रख देना है। तो ये टू टैन इनवर्स एक्स, थीटा की जगह टू टैन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे आप टू टैन इनवर्स एक्स रख देंगे, ठीक है। ये साइन इनवर्स साइन जैसे ही आया उसके बाद खोलने के लिए ये ग्राफ का यूज़ होगा जो हम बनाना सीखे थे। ये बताइए ये सबको समझ आ गया, ये जो मैंने समझाया है ना, कोई दिक्कत इसमें, किसी को डाउट है तो बताइए। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक देख लो आराम से, साइन इनवर्स साइन एक्स आपको पढ़ाया गया है। क्लियर है ना, इसको आपको खुद बनाना है, खुद जब बना लोगे ना तो आप सीख जाओगे ये सब चीज़ें, ठीक है। थोड़ी हाई लेवल है पर यही है कैलकुलस, कैलकुलस में जब तक ये ग्राफ का यूज़ नहीं करोगे कैलकुलस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। ओके, सबको आ गया समझ, अब इस ग्राफ का काम हो गया। बस इस ग्राफ से हमें यही देखना था कि है ना, यहाँ पे x tan थीटा रखते हो तो प्रिंसिपल डोमेन ये रहा, तो इस प्रिंसिपल डोमेन में मतलब 2 थीटा है ना, यहाँ sin इनवर्स sin 2 थीटा बना हुआ है, तो 2 थीटा जब माइनस पाई से पाई के बीच होगा उस टाइम पे ये सब कैसे खुलेगा ये हमने बताया। अब लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे तो आंसर x में आना चाहिए, तो यहाँ पे जहाँ थीटा दिखे वहाँ पे tan इनवर्स x लगा दो, ठीक है। देखो तो ये जो मेरा बन के आया है ना, ये जो मेरा बन के आया यहाँ पे साइन इनवर्स साइन है ना टू थीटा, ये देखोगे अब ये साइन इनवर्स साइन टू थीटा यहाँ पे क्या बन के आया है ना, ये हमारा बन के आया माइनस टू थीटा माइनस पाई, ठीक है। क्या क्या आया है देखो, यहाँ पे आया है, अब मैं यहाँ पे अगर बोलूँ टू थीटा इतना है, मतलब थीटा कितना है ना, यहाँ से अगर मैं बोलूँ थीटा कितना है, तो थीटा कितना है, थीटा बिलोंग्स टू है ना टू, यहाँ ले जाओ तो माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई फोर हो गया, क्योंकि मुझे एक्स में बात करनी है ना, यहाँ सब कुछ एक्स में है, तो माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई फोर है ना, कहाँ क्लोज करना है कहाँ ओपन करना है अच्छे से समझना, यहाँ माइनस पाई बाई टू पे ओपन होना चाहिए। इसके हिसाब से हम थीटा क्या बोलेंगे, टू डिवाइड कर दीजिए, तो टू डिवाइड किया जाए तो ये आया माइनस पाई बाई फोर से प्लस पाई बाई फोर ना, इन दोनों में आपको क्लोज चलाना है,
ठीक है, क्लोज चलाना है। और यहाँ पे हम बोले तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपका पाई बाय फोर से क्या बड़ा हुआ है, पाई बाय टू ओपन, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे ये जो साइन इनवर्स साइन टू थीटा आया, ये सब कुछ जो आपने सिंप्लीफाई किया, तो ये सिंप्लीफाई होके जो यहाँ पे थीटा है वहाँ टैन इनवर्स एक्स रखते हैं, तो ये बना मेरा माइनस टू टैन इनवर्स एक्स, है ना, माइनस टू टैन इनवर्स एक्स माइनस पाई बना पहला वाला, ठीक है, थीटा की जगह बस टैन इनवर्स एक्स रखना है। दूसरा वाला क्या बना, दूसरा वाला बना आपका टू टैन इनवर्स एक्स, ठीक है, और तीसरा वाला बना आपका माइनस टू टैन इनवर्स एक्स माइन प्लस पाई, माइनस टू टैन इनवर्स एक्स प्लस क्या बन गया मेरा, पाई करके बन गया, है ना, ये रहा। अब यहाँ पे थीटा आप टैन इनवर्स एक्स डालोगे, यहाँ पे थीटा की जगह जब आप टैन इनवर्स एक्स डालोगे तो एक्स क्या हो जाएगा, टैन दे दिया जाए इन दोनों का, है ना, तो इन दोनों का टैन देता हूँ, तो ये बताओ, है ना, यहाँ पे टैन इनवर्स एक्स यहाँ से यहाँ तक है, तो एक्स क्या हो जाएगा, टैन माइनस फाइव बाई टू इज माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, एंड टैन माइनस फाइव बाई फोर इज माइनस वन, ये रहा। तो माइनस वन से छोटे में ये हो जाता है माइनस टू टैन इनवर्स एक्स माइनस फाइव माइनस वन। और उसी तरह से यहाँ पे अगर थीटा की जगह टैन इनवर्स एक्स रखूँगा तो एक्स क्या हो जाएगा, टैन माइनस पाई बाई फोर इज माइनस वन एंड टैन पाई बाई फोर इज प्लस वन, ठीक है। और वैसे थीटा की जगह टैन इनवर्स एक्स रखते हैं तो एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया टैन पाई बाई फोर इज वन एंड टैन नाइन्टी इज इन्फिनिटी। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, ये जो मेरा है ना साइन इनवर्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, NCERT बुक के हिसाब से, ठीक है, आपका बस एक ही फॉर्मूला है, दैट इज टू टैन इनवर्स x। पर ये कब होता है, ये होता है x बिलोंग्स टू माइनस वन से वन के बीच में, मतलब मॉड x इज लेस देन इक्वल टू वन, दोनों में इक्वालिटी चलेगी, ठीक है। पर यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये हमारा बन जाता है माइनस टू टैन इनवर्स x ना माइनस पाई व्हेन x इज लेस देन माइनस वन, है ना, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन मतलब माइनस वन से छोटा, ठीक है। और अगर x है ना वन से बड़ा हो जाए या इसके बराबर हो जाए तो ये आपका बनेगा माइनस टू टैन इनवर्स x प्लस क्या बन के आएगा मेरे पास, पाई बन के आएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने साइन इनवर्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर को टू टैन इनवर्स एक्स प्लस पढ़ते थे, पर वो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू वन के लिए, बाकी के लिए मैंने डिफाइन किया। अब यहाँ पे एक्स जो है वो आपका ऑल रियल नंबर हो गया, माइनस इन्फिनिटी से है ना लेके प्लस इन्फिनिटी तक सभी के लिए मैंने डिफाइन कर दिया। अब उसी तरह से मैं कॉस इनवर्स का भी अभी है ना इसी तरह से काम करने जाऊंगा। ये बताओ यहाँ तक सबको समझ आ गया ना, ये सब चीज़ें आपको फंक्शन में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। जब आप फंक्शन चैप्टर पढ़ोगे तो उस चैप्टर में ये सब चीज़ें आपको ना ग्राफ बनाना, ये डेफिनेशन खोलना, ठीक है, यही है बस कैलकुलस, ठीक है। आराम से देख लो भाई, किसी को कोई दिक्कत इसमें आइए बताइए, कोई प्रॉब्लम, कुछ नहीं समझ आया तो बताएं। वैसे एक एक स्टेप मैंने ना समझाते हुए बताया आराम से। समझ आ गया तो आप ही को बनाना होगा, अभी मैं एक कॉस इनवर्स का बनाऊंगा, बाकी आपको खुद बनाना होगा। एक दो तीन चार पाँच, पाँच आपको खुद बना के आनी है। समझ गए सब लोग? चलो तो टाइम भी हो ही गया क्या, ठीक है। कॉस इनवर्स का बता देता हूँ, बाकी हम कल बनवाएंगे आराम से, ठीक है। ओके, आगे पढ़ना है ना, इस सब चीज़ों का यूज़ अच्छे से करना होगा आपको। स्टार्टिंग में आपको ये सब अजीब लगेगा कि इतना क्या डेफिनेशन ये सब खोल रहे हैं, क्योंकि पूरा फंक्शन ही ये है एक्चुअली देखा जाए। आपको उसका डोमेन रेंज ग्राफ है ना जब समझ आ जाएगा
तो आगे के कैलकुलस है ना, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो सब चैप्टर आपको क्लियर पिक्चर दिखने लगेगा उसका, ठीक है। अब अगर ये जो मेरा आया है इसका ग्राफ बनाते हैं, ध्यान दो ना, y इज इक्वल टू, इसका मैं ग्राफ बनाने दिखाने जा रहा हूँ, साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 + x² इसका ग्राफ बना के दिखाया जा रहा है, ठीक है। ग्राफ अभी बनाने के लिए यहाँ पे क्या बोला, ये आपका हो जाता है 2 tan इनवर्स x, ठीक है, जब मॉड x क्या हो, 1 से छोटा, जब x माइनस 1 से छोटा हो उस टाइम पे माइनस 2 tan इनवर्स x है ना, यहाँ पे पड़ा हुआ है ना माइनस पाई, ठीक है, और ये पड़ा हुआ है माइनस, राइट आ गया क्या, माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस पाई x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बोल रहे हैं 1, इसका ग्राफ बना के दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अजीब लगेगा पर समझो ना, तो ये बताओ tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ के बीच आएगा आपका, tan इनवर्स x की वैल्यू आती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो 2 tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ के बीच आएगा, माइनस पाई से पाई के बीच में, ठीक है। तो मेरा जो 2 tan इनवर्स x है वो आएगा ना माइनस पाई से पाई के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें, और यहाँ पे राइट साइड में क्या पड़ा हुआ है, साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स का आउटपुट हम क्या जानते हैं, साइन इनवर्स का आउटपुट हमारा क्या होता है, साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ के बीच आंसर देता है, साइन इनवर्स आंसर देता है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ पे हैं, जहाँ डेफिनेशन चेंज हो रहा है, एक है माइनस 1 पे और एक है मेरा 1 पे, है ना, माइनस 1 पे 1 रख दो, 1 रखोगे 2 tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4, तो 2 इंटू पाई बाय 4 इज पाई बाय 2, है ना, और वैसे ही माइनस 1 रखो यहाँ पे, इसमें माइनस 1 रखा जाए, tan इनवर्स माइनस 1 माइनस पाई बाय 4, 2 इंटू माइनस पाई बाय 4 इज ना माइनस पाई बाय 2, और tan इनवर्स 0, यहाँ 0 रखता हूँ, तो ये हो गया मेरा 0, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, अब ये बताओ x अगर इन्फिनिटी जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी, ध्यान देना इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भेज रहा हूँ, तो प्लस इन्फिनिटी भेजने का मतलब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2, तो माइनस पाई प्लस पाई कितना हो गया 0, मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, है ना, इन्फिनिटी पे 0 और आपका ना 1 पे पाई बाई 2 बना हुआ है, उसी तरह से माइनस 1 रखो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी रखो, तो माइनस इन्फिनिटी टैन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी माइनस पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 इंटू माइनस 2 प्लस पाई, पाई माइनस पाई 0, ठीक है। तो ये पॉइंट को यहाँ लाया जाए, ठीक है, अब इसको मुझे ज्वाइन करना है, ठीक है, ये जो चीज़ है ये आपको ज्वाइन करनी है, तो ये कैसे ज्वाइन हो, ऐसे भी ज्वाइन हो सकती है और मेरी ऐसे भी ज्वाइन हो सकती है, ठीक है। अब उसमें से कौन सा ज्वाइन होगा, वो इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर के हिसाब से बोला जाता है ना, थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि ये आप ग्राफ है ना बार बार आएगा, इसीलिए समझो, है ना, ग्राफ ऐसा कब बनेगा और ग्राफ ऐसा कब बनेगा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ समझोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ तक सबको समझ आया, अब बस मुझे ये ज्वाइन करना है, इन तीन पॉइंट को ज्वाइन करना है, स्ट्रेट लाइन से नहीं ज्वाइन होगा, आपका ज्वाइन आइदर ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, कौन सा ग्राफ से होगा ये मुझे देखना है, ये बताइए, यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक पिक्चर सबको क्लियर है, समझ आ गया, आओ भाई ना, ये आज आखिरी आपको यही, बस ये ग्राफ में लास्ट चीज़ बतानी है, फिर ये ख़त्म हो गया ना, ग्राफ में ये लास्ट चीज़ बताने जा रहा हूँ, फिर ये हो गया, बस अब ये बताने वाला हूँ, ये तो समझ आ गया, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस है ना ज़ीरो के पास है और आपका प्लस इन्फिनिटी पे ज़ीरो के पास है, इसलिए ग्राफ ऐसा तो बनेगा नहीं, क्योंकि कट कर जाएगा या फिर ऐसा भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को मुझे ज्वाइन करना है, तो इसको कैसे ज्वाइन करूँगा वो दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ तक सबको आ गया ना, क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ,
स्ट्रेट लाइन से क्यों नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होगा, क्योंकि है ना कंफ्यूज हो रहे हो, तो यहाँ पुट कर दो ना, पुट करके देख लो, है ना। यहाँ देखो क्या पाई बाई फोर पे पाई बाई फोर आया क्या, नहीं ना, तो इसीलिए स्ट्रेट लाइन नहीं है। वाई इक्वल टू एक्स थोड़ी है, यहाँ पे देखो ना खुद वन पे पाई बाई टू है ना, पाई बाई टू पे पाई बाई टू नहीं है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन नहीं है ये चीज, ठीक है। ऑरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन नहीं है, सही है। अब ध्यान दो, लास्ट चीज़ जो बताने जा रहा हूँ ना, उसका नेचर शेप कैसा होगा, यहाँ से यहाँ का शेप कैसा होगा, उसके लिए क्या किया जाता है, स्लोप, ठीक है। स्लोप की बात करो तो ये जो 2 टैन इनवर्स x, क्योंकि माइनस वन से वन के बीच में 2 टैन इनवर्स x से बात हो रहा है, तो y इज इक्वल टू 2 टैन इनवर्स x के अगर मैं ग्राफ के स्लोप बताऊँ dy by dx, टैन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है ना, ये होता है 1/1 x², ठीक है, ये याद रखना आगे ना, जब आप आगे पढ़ोगे उस टाइम पे ये चीज़ यूज होगी, मतलब dy by dx मेरा क्या हो गया इज इक्वल टू +2 / 1 x², ठीक है। और इसका डबल डेरिवेटिव जब किया जाए d2y/dx², तो ये आएगा 1/t का डेरिवेटिव -1/t², और फिर चेन रूल से x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये बन के आया -4x/1 x², ठीक है, ये आया d2y/dx². अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ अगर x मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये डबल डेरिवेटिव क्या हो जाता है, नेगेटिव। और अगर x मेरा क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, यहाँ पे देखो पॉजिटिव है तो ये आपका है ना डबल डेरिवेटिव क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, क्योंकि यहाँ x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू ये पूरा पार्ट नेगेटिव पड़ा हुआ है, और x अगर नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। अब ये याद रखना, डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है किसी का फंक्शन का, मतलब उसका ग्राफ का शेप क्या होगा, कनकेव डाउनवर्ड्स, ठीक है, वो ग्राफ नीचे की तरफ होगा, ठीक है। और अगर x का है ना आपका ये है ना वैल्यू x ग्रेटर देन जीरो पे नेगेटिव अगर आ रहा है डबल डेरिवेटिव, तो ग्राफ कुछ आपका इस शेप का होगा, कनकेव डाउनवर्ड्स। और अगर x नेगेटिव होगा तो ग्राफ का जो शेप आएगा वो मेरा कनकेव अपवर्ड्स शेप आएगा, ठीक है। और ये पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ x जीरो रखने पे, ये डबल डेरिवेटिव जीरो आ जाता है, मतलब ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होने चला गया, ठीक है। या फिर ऐसे सोचो, यहाँ पे सीधा dy/dx से अगर सोचना चाहते हो तो यहाँ से भी सोच सकते हो, जैसे जैसे x बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे ये जो आपका लेट्स से dy/dx है वो है ना, उसका स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, ये आपको चेक करना है। अगर इस तरह से देखते तो आपका जो स्लोप का मैग्नीट्यूड होता वो घट रहा होता, वैसे देख लो, नहीं तो अभी ये चीज़ आप मोनोटोनिसिटी चैप्टर में और डिस्कस करोगे, ठीक है, जब आपको ये डिफरेंशिएशन समझा दिया जाएगा है ना कैलकुलस में, तो ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। अभी बस मैं ये शेप बताने के लिए बता रहा हूँ कि ये शेप स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, अब ये इस टाइप का शेप होगा या फिर इस टाइप का शेप होगा वो डिसाइड कौन करेगा, वो डिसाइड आपका ये d2y/dx² करेगा। अब ये याद रखना, जब ये d2y/dx² अगर नेगेटिव आ जाता है डिफरेंशिएट करने पे, तो आपका कनकेव ऐसा बनता है डाउनवर्ड्स, और अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो ये कैसा बनता है अपवर्ड्स। याद है स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फिजिक्स में, ठीक है, तो हम क्या बोलते थे वहां पे, अगर आपका है ना d2u/dx² अगर नेगेटिव आ गया तो इस केस में आपका स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, और इस केस में क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। जाके एक बार फिजिक्स के नोट्स रिवाइज करो, वहाँ पे भी ये चीज़ आपको सिखाई गई है, ठीक है, वहाँ से भी देख सकते हो, नहीं तो आगे मैथ्स में भी बहुत ग्राफ ही ग्राफ पढ़ने हैं आपको, उसका टेंशन मत लो ना। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जिसको ये चीज़ नहीं समझ आया है ना, स्लोप चेक करो, यहाँ पे स्लोप आपका कुछ होगा, फिर आगे आगे जैसे जा रहे हैं स्लोप बढ़ रहा है ना, फिर यहाँ से जाते हुए यहाँ स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, एक तरीका वो भी है, आगे पढ़ोगे। अभी बस ये बताना था कि ये चीज़ स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, अब ये कर्व का शेप कैसा होगा उसको डिटरमाइन करने के लिए डेरिवेटिव्स किए जाते हैं ना। आप पूरा कैलकुलस में क्या पढ़ते हो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वो किस लिए, ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था थोड़ा चीज़ टफ है, ठीक है, 1 + x² होगा,
ये होता है, ठीक है। टाइम इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, अभी के लिए आप ये समझो, ठीक है। कैसे होता है ये आपको डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ाया जाएगा, अभी आप उसमें टेंशन ना लें, ठीक है। वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, हाँ, तो यहाँ पे माइनस फोर एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, चलो ठीक है, हो गया। चलो आज ज़्यादा नहीं दे रहा टेंशन, ठीक है। कोशिश आपको क्या करना है कल के लिए, ये ग्राफ बना के आना है, पूरा ग्राफ तक करके आना है। कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका बना के ला के दो, और उसी तरह से टैन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दो ग्राफ बना के ला के दूँगे, ठीक है। तो ग्राफ फाइनल ग्राफ तक ला के देना है मुझे, ठीक है। तो ये बना के लाइए सब लोग ना, अगर यहाँ बताऊँ तो ये हो गया y इज इक्वल टू पाई माइनस टू टैन इनवर्स x, ठीक है। ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस टू टैन इनवर्स x, है ना, और ये हो गया y इज इक्वल टू टू टैन इनवर्स x। अल्टीमेटली हमें ग्राफ बनाना है बस, ठीक। चलिए तो आज इतना ही करते हैं, ठीक है। डिस्कशन निकाल लो, डिटर्मिनेंट्स का डिस्कशन बताइए, क्या है डिस्कशन आपका, डिटर्मिनेंट्स, है ना, डिस्कशन निकालो सब लोग। डिटर्मिनेंट्स का डिस्कशन कराने जा रहा हूँ। देखो एक ही क्वेश्चन कराने में आपको लगभग आधा घंटा लग गया है, क्योंकि ये सब चीज़ें आगे कैलकुलस इसे ही कहते हैं, तो थोड़ा सा खुद ट्राई करना, ये बन जाने चाहिए, बन जाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं बनेंगे, है ना। जैसे जैसे स्टार्टिंग से बताएं ना, वही डोमेन सब्सटीट्यूशन, यहाँ पे दोनों में सब्सटीट्यूशन टैन थीटा चलेगा, बस आपको ये देखना है कॉस इनवर्स कॉस कैसे खुलेगा, टैन इनवर्स टैन कैसे खुलेगा, उसके लिए ग्राफ बना के, है ना, जैसे डिफाइन हो जाए, है ना, एक्स के टर्म में सब कुछ आ जाए, उसके बाद ग्राफ पे आप फोकस करना आराम से ना। तो इसको हम कल बात करेंगे, अभी आओ डिस्कशन में। सर अब रहने दीजिए, सर कल डिस्कशन करा दीजिए। डाउट है क्या, कितने डाउट है तुम लोग के बताओ, कुछ डिस्कस कर देता हूँ, दो पेज करा लो एटलीस्ट डिस्कस, थोड़ा थोड़ा, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा इसीलिए, ठीक है, थोड़ा डिस्कशन करा लो। तो आज पेज नंबर 16 और 17 कर लेते हैं बस डिस्कशन, है ना, 30 क्वेश्चन तक, सॉरी कहाँ तक है, रुको, पेज नंबर आज 13 और 14 करा देता हूँ डिस्कशन, 16 क्वेश्चन तक, एक्सरसाइज के 16 क्वेश्चन तक, है ना, बस आज, है ना, लास्ट चीज़ है भाई, ना पढ़ाना तो पड़ेगा ना, थोड़ा सा करके आए हो, पहले ये बताओ सब लोग करके आए हो, 16 क्वेश्चन तक एक्सरसाइज के, बस 16 क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करोगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। 16 क्वेश्चन तक डिस्कस करा रहा हूँ एक्सरसाइज का, नहीं तो अभी देखो हम लोग ये ना चैप्टर इन्वर्स ट्री को ख़त्म करने वाले हैं, यहाँ डिटर्मिनेंट का डिस्कशन नहीं हुआ है। चलिए तो भाई नहीं कर रहे हो अभी ना डिस्कशन, सर कल ही करिएगा, ठीक है, तो चलो कल करते हैं डिस्कशन। कल आप लोग पेज नंबर ना बना लेना भाई, कोशिश करो, क्योंकि देखो टाइम तो लगेगा, है ना, कल यही ग्राफ बनाने में मुझे पूरा टाइम लगने वाला है ना, फिर इसके बाद और 3 ग्राफ और बचे हुए इसके बाद ना, फिर हम लोग ना आपका आएंगे, क्योंकि ऐसे डेली करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो पेज नंबर 13 से लेके 16 तक कर लेना कल, है ना, डिटर्मिनेंट का, ये सब इजी चैप्टर्स हैं, समझो ये सब चैप्टर को, ये सब चैप्टर को टफ चैप्टर्स नहीं है, ठीक है, ये सब इजी चैप्टर्स में काउंट होते हैं मैथ्स में, ठीक है। तो होमवर्क बनाना पड़ेगा तो और ईजी तुम्हें लगेगा, ठीक है, कल ही सब करा दीजिएगा, ठीक है। चलो तो कल करते हैं, आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू, है ना, चलिए तो आज इतना ही करते हैं।